सुगंधा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम। भाई साहब को नमस्ते। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद। बहुत दिन से मैं लगा रही थी आपको फोन। मैं आपकी पुरानी पेशेंट हूँ जी। मुझे पीठ में हाथ पीस घाव हो गया था बहुत दिन पहले, तो उसमें जलन और दर्द कभी कभी जाता है। और एक उंगली में, आप लोग उससे क्या कहते हैं, उंगली बहरा, हम लोग तो उंगली बहरा कहते हैं, तो वो हो गया है। बार बार होता है, बार बार छूट जाता है, तो उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खा बताइए। कोई घाव है मैम? हाँ, घाव उंगली में, नाखून के पास। नाखून के पास, हाथ की या पैर की? नहीं, हाथ की, दाहिने हाथ की। दाहिने हाथ में। ठीक है मैम। एक साल पहले हमको पुराना हुआ था, उसके बाद से वीकनेस बहुत ज्यादा लगता है। तो बीच में तो मुझे खाना भी नहीं हजम हो रहा था, तो जैतून का नमक कुछ दिन लिए, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ठीक। और मेरे पति को भी शुगर का पेशेंट है, दो बोतल आपका जैतून का सिरका लिए, एक में तो लहसुन अदरक मिला के और एक बोतल, तो क्या उसको और लेना है, कंटिन्यू रखना है या छोड़ देना है? ठीक। अच्छा, देखिए, डायबिटीज यानी शुगर एक ऐसा रोग है जिसके लिए हमें हमेशा दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि शुगर इससे कंट्रोल होती है लेकिन रोग ख़त्म नहीं होता। आप दवा कोई भी लेते रहेंगे और साथ में ये भी लेंगे तो शुगर कंट्रोल ज़रूर हो सकती है, तो इनको तो हमेशा लेना चाहिए। और जख्म के लिए उंगली के, आप अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भून कर अलसी का पाउडर, और आधा चम्मच अलसी और एक चुटकी में जितना गौन चिलगोजा है मिला के रोजाना एक बार रात को खा के सो जाया करिए, और उसको साफ करने का, जख्म पर बैंडेज या पट्टी करने का भी ज़रूर ख्याल रखें। और काम होते हैं बहुत सारे महिलाओं के लिए, बार बार साबुन से बचाएं उसको, और कपड़े या वो धोएं बर्तन, तो इसके ग्लव्स आते हैं जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, उस हाथ में वो पहन के आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सब्र करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से, दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत दयावती जी। जी भाई साहब, देखना शायद क्या, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर, प्यारी सी बिटिया है, बहुत सच कह रहे थे आप, शारदा इतनी सुंदर है तो कपड़े तो बहुत सुंदर लगेंगे फिर। शुक्रिया। और आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो भैया। अरे, मेरा नंबर तो बाद में आया है। भाई पहले बच्चों को बोल लेंगे ना, अच्छा जब भी बच्चे हमारी कदर करेंगे। और सुधा दीदी भी ठीक कह रही थी, भाई साहब आप जिद्दी बोलते हो, जो जिद्दी होते हैं ना बच्चे वे घड़े प्यार करते हैं, हम आपका नहीं इतना गर्व करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम बहुत जिद्दी है, हम इतने गर्व करते हैं ना कि हमें इतना अच्छा भाई मिला है, नुस्खे बताता है, छोटे छोटे और कम पैसों में ठीक लो जाते हैं लोग, और इतना अच्छा लगता है, और साथ होती है आगे नई नई चीज सुनने की और सीखने की जी। और मेरे दो क्वेश्चन भी है भाई साहब, एक तो मेरे जानकारी में ना 80 साल का बुजुर्ग है, मतलब चलते फिरते हैं, उनको अच्छे है, उनके दो बार ये स्टैंड डल चुके, वे छल्ले बोलते हैं छल्ले, तो और उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मेरे जानकार है, तो वो पूछ रहे थे कि वे जैसे जामुन का गोल, तो मैंने बोल दिया कि आप ले सकते हो, तो सिरका और नमक जैतून, और फिर डॉक्टर से बात करी थी उन्होंने, वो राहुल डॉक्टर से, मैं भी दवाई उन्हीं से ऑर्डर करवाती हूँ, तो उनको नंबर दिया था, तो वो बात करे तो वो एस्कर कैप्सूल कह रहे थे कि ये ले लो, तो आप बता दो ये ठीक है।
मैंने उनके लिए सिरका और नमक दतून और जामुन का गोंद बताया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है भाई साहब, 22 साल की लड़की है तो उसके ना ब्रेस्ट में कुछ गांठ सी है, तो दबाते है जब पेन होता, वैसे तो नहीं होता पर वो मोटी होती जाती है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है। और भाई साहब सचमुच भगवान ने ना इतना अच्छा आशीर्वाद दिया हमें लिए कि हमें इतना अच्छा भाई मिल गया, हम इतने खुश रहते हैं ना, और ऐसे चाव होता ना करने का, नई चीज सीखने का कि आज पता नहीं क्या नया मिलेगा, जैसे बच्चे को खिलौने मिलते हैं बड़े खुश होते हैं, तो हम भी बड़े खुश होते हैं सीखने के लिए। नहीं वाकई मैं भी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे साथ जो व्यूवर्स हैं, अजीब हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले, इतने भावुक, इतने समझदार, मेरी बात समझने वाले, मुझ पे भरोसा करने वाले, ऐसे विवश किसी के पास नहीं है। मैं इसमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, सच ये बयान दे रहा हूँ मैं आपको। और मैं भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करता हूँ, और सिर्फ मैं हूँ जिसके व्यूअर्स मुझे ही नहीं बल्कि एक दूसरे को पहचानने लगे। जैसे सुधा जी ने आपका नाम लिया, आपने सुधा जी का नाम लिया, कोई कर्नल वर्मा का, तो कोई दूसरों का नाम लेते, किसी के व्यूअर्स किसी को जानते ही नहीं है, वो अपनी अपनी में पड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन, क्योंकि आप लोग इतना मुस्तकिल जुड़ते हैं कि कभी कर्नल वर्मा आपका नाम लेते हैं, तो कभी वो रतन तन्हा नाम लेते हैं, तो कभी हमारी दूसरी व्यूअर्स आपको आशीर्वाद देती हैं, आपको आदाब कहती हैं। और ये एंकर भी आपके साथ जुड़ी है, वरना एंकर भी ऐसी होती है कि नाम आया और रोग बोला ख़त्म, लेकिन एंकर आपसे जुड़ी हुई हैं, चाहे ये तुम्हारी ये बिटिया हो जो सस्ते कपड़े पहन के आपको लुभाती है, और चाहे शगुफ्ता यास्मीन हो, सब आपको आपकी आपके मिजाज से, आप मिजाज को क्या कहते हैं, आपके बिहेव से जानती हैं कि आप किस टाइप की हैं। तो ये कभी नहीं हुआ आज तक दुनिया में, नहीं हुआ कभी कि ऐसे भावुक लोग मिल गए हों और मैं रो दूं तो रो देते हैं, मैं हंसता हूं तो हंस देते हैं, मैं गाता हूं तो गाने लगते हैं, मैं गज़ल सुनाता हूं तो गज़ल सुनने लगते हैं, गज़ल खुद भी सुनाते हैं। मैं बहुत गहराई से इस बारे में सोचता हूं कि वाकई ऐसे लोग तो किसी के पास है ही नहीं, और होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा सबके साथ लोग जुड़े, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं इनको किसी की नज़र ना लगे और खुश रहे, सलामत रहे, भगवान इनसे राजी रहे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हम सबको आखिर तो भगवान से जाके मिलना है। सवाल बताइए, ये सब भावुक कर देते हैं मुझे। पहला सवाल है, 80 साल के एक पेशेंट हैं, स्टन डले हुए हैं, शुगर बीपी सब है बीमारी, तो इन्होंने सिरका बताया है और नमक जैतून जामुन का गोंद, ये सही है? हाँ देखिए, सिरका चलता है तो बहुत अच्छा है, खाने का सोडा डाल के नमक जैतून डाल के पिला दिया करें, दो दो तीन तीन चम्मच सुबह शाम पानी में मिलाकर, नहीं तो वो चार चीज़ों का जो चार अदरक लहसुन और नींबू मिलाकर इसका जूस भी मिलाकर दे सकते हैं। जो लोग ये नहीं पी सकते उनके लिए एच केयर कैप्सूल भी आता है, एच केयर, एच फॉर हार्ट, और गोंद जामुन सही है डायबिटीज़ के लिए, और नमक जैतून और खाने का सोडा भी ले सकते हैं, नमक जैतून, खाने का सोडा और
ये गोंद जामुन लेंगे तो भी यही काम करेगा। ये शुगर पर कंट्रोल करते हुए और कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करता है और हार्ट ब्लॉकेज खोलता है। अब इस उम्र में और दोबारा नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनके स्टंट पड़े या कुछ ऑपरेशन करना पड़े। अगर ये देंगे तो वो फिर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, 22 साल की बच्ची हैं जिनकी ब्रेस्ट में गांठ है। एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी पानी मिलाकर और एक चुटकी गौन चिलगोजा रोज दिया करें रात को सोते समय पानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको फायदा मुमकिन है। बिल्कुल, तो दयावती जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में हकीम साहब ने बहुत सही कहा है कि आप सभी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग दूसरों की जो मदद करते हैं वो तो नेक कार्य आप लोग करते ही रहिए, क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं। और सेहत और ज़िंदगी ना सिर्फ एक प्रोग्राम है बल्कि आप लोगों का परिवार है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से आज सेहत और ज़िंदगी का प्रोग्राम जो है वो बुलंदियों को छू रहा है। तो हम लगातार सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग वाकई में यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, निरोगी जीवन अपना जीना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, लाइव अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आप लोग उनसे लाइव बात कर सकते हैं इन नंबर्स कॉन्टैक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सिस्टर। नमस्कार सर। गुरु जी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत। हाँ गुरु जी ठीक हो? गुरु जी काफी दिन बाद दिखाई दे रही है। मैं तो मजार में छोड़ के चले जाते हूँ गुरु जी। सुबह इतना फोन किया, फोन ही नहीं मिला। आज इतना फोन किया सुबह से, चार चार फोन लेके बैठे थे, लेकिन फोन ही नहीं मिला। अरे कर्नल का, रतन जी का, सुधा जी का, इनका मिल गया, मेरा फोन ही नहीं मिला। अच्छा गुरु जी थोड़ा ये सवाल है, एक ये मैंने बताया था अपनी मम्मी जी के बारे में, पहले एक बार आपसे बात हुई थी, तो वो गोली तो लेती नहीं है, ना एलोपैथिक है ना वैसी कोई लेती है। तो उनके ना अब जैसे मसूरी दांत जो है ना, इनकी 80 उम्र एज है, तो उनके मसूड़े से ना खून आ रहा है, कभी कभी खून आ जाता है। तो उसके लिए अब गोली तो लेती नहीं है, तो मैं अब उसमें क्या ये मल्टीविटामिन का वो गोली में से वो जो अंदर होता है वो पीस के दूध में दही में मिला के दे सकता हूँ, उससे कुछ फर्क पड़े? आप कहते ना मल्टीविटामिन देने से दांतों में खून कम हो जाती है तो आराम पड़ जाता है। एक तो ये सवाल है उनके लिए, ठीक है जी। और गुरु जी मैंने पहले भी आपसे वो किया था, एक मेरे दोस्त है उनका ऑपरेट हुआ था, ये हर्निया पता नहीं अपेंडिक्स क्या पता था, ऑपरेशन हुआ था उनका, और वो चार महीने हो गए तो उनका। अब दोबारा फिर ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं जी। आपने कहा था कि गोंद चिलगोजा देना है, ठीक है ना, तो उनको मैंने बताया भी, अब उससे भी कुछ वो नहीं हो रहा, वो कहे दोबारा उनको ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं। उसको पस पड़ गई थी, उनके यहाँ पे जो काट के ना यहाँ पे, तो वो कहते भी 3 महीने तक इनको आराम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे। और 4 महीने बाद किया जी उन्होंने ऑपरेशन, ठीक है, अब 2 दिन पहले किया है। तो उनके लिए मतलब राय रखी गोंद, अपने गोंद चिलगोजा, वो उनके लिए कुछ और भी राय था तो गुरु जी बताना। और गुरु जी एक मैं अपने लिए है, जैसे कि मेरे बाल जैसे मैं बड़े रखना चाहता हूँ, लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं घुंघालू हो जाते हैं, और वो इस कदर बढ़ते हैं 15-20 दिन में कटाने ही पड़ते हैं, ठीक है ना, तो अगर उस तो घुंघालू हो जाते हैं तो बढ़ ही नहीं पाते हैं, घुंघालू हो जाते हैं तो उनको कटाना ही पड़ता है। और एक बाल से संबंध दूसरा सवाल है गुरु जी, मतलब आपने बताया था ना बाल उगने की जो एज है, उगाने की जो एज है, ये किस उम्र तक सही है, मतलब किस उम्र तक हम इसको वो कर सकते हैं गुरु जी? और गुरु जी क्या सभी सिर के, मतलब इसी में जैसे सभी सिर के वही फालिज और लकवा में काम करेंगे, जैसे आपने आज सुबह जामुन का सिर का बोल रहे थे,
सवाल आया था सुबह आपने जो जी सलाम पे जो आरोप है तो आपने बताया था जामुन का सिरका बनाने के लिए सुधा जी का सवाल था शरीर तो क्या ये सभी ये सिरका भी क्या इसी में काम आ सकता है फल लगवाने। और गुरु जी एक सवाल तो खैर काफी है मैं ज्यादा वो नहीं लूंगा एक ये है नीम का गोंद भी क्या बीपी शुगर में काम करेगा क्योंकि नीम के पेड़ तो हमारे यहाँ पे काफी है उसमें छोटे छोटे गोंद निकले होते हैं ठीक है गुरु जी। और गुरु जी बीच में छोड़ के ना जाए करो मजान में ये बड़ी आपसे विनती है गुरु जी जो बीच में बड़ी वो याद आती है अब क्या करे गुरु जी आपसे मिले तो मिले कैसे गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। याद नस्तर की तरह आए बुलाने वाले याद नस्तर की तरह आए बुलाने वाले छिल गए आज कई जख्म पुराने वाले छिल गए आज कई जख्म पुराने वाले। याद तो मैं भी करता हूँ आपको ये और बात है कि आप जाहिर करते हैं मैं जाहिर नहीं करता। आपसे प्यार बहुत है मुझे कम प्यार नहीं आपकी तरह मगर जरूरत इजहार नहीं। तो देखिए बाल और सेहत इंसान की 40 साल तक तो बड़ी अच्छी रहती है और ख्याल नहीं भी रखो तो सेहत अच्छी रहती है बाल अच्छे रहते हैं चाल अच्छी रहती है। 40 साल के बाद ख्याल करना शुरू कर देना चाहिए चाहे बालों का हो या सेहत का हो या खून का हो या दिल का हो ये 40 साल के बाद बीमारियों की समझ लीजिए आना जाना रहेगा। अब वो बीमारियां कौन सी हैं बाल भी जाएंगे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा थायराइड भी हो सकता है डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो 40 साल के बाद अपना हर 6 महीने में चेकअप ज़रूर कराएं और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो लेते रहें तो हमारे बाल भी और हमारे चाल भी अच्छी रह सकती है। कहीं दर्द हो तो उसका इलाज करें ब्लड प्रेशर हो तो उसका इलाज करें कोलेस्ट्रॉल हो तो उसका इलाज करें। तो रख रखाव पर है आदमी की सेहत लेकिन 35-40 साल तक हम अच्छे सेहतमंद रहते हैं उसके बाद बगैर ख्याल रखे हम सेहतमंद नहीं रह सकते। मैं अक्सर लोगों से बात कहता हूँ 40 साल के बाद अपना ख्याल खुद रखा करें। अब बताइए इससे मसूड़ों से खून आता है। हाँ देखिए अक्सर मसूड़ों से खून पायरिया की वजह से होता है दांतों में अजीब सी सड़न जो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। तो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम उन्हें दे और ये खाने का सोडा की मालिश अगर ऐसे हल्के हल्के करके और फिर उनका बाद में एक बार कर दिया करें पूरे दिन में तो भी पायरिया का खून रुकना मुमकिन है जी। दूसरा सवाल है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है हर्निया वगैरह का वो चिलगोजा गोंद का इस्तेमाल कर रहे थे तो कुछ और दिया जा सकता है वो पस बन गया है अब तो दोबारा से ऑपरेशन को बोला है डॉक्टर ने। देखिए डॉक्टरों के हवाले हैं और वो जो भी चाहेंगे करेंगे लेकिन जख्मों को जल्दी सुखाने के लिए और जो किसी सूरत जख्म ना सूखता हो उसके लिए या अगर चाहें तो उनकी दवाओं के साथ एक चुटकी गोंद चिलगोजा एक बार या दो बार रोज़ाना दे सकते हैं इससे डॉक्टरों के इलाज में और ज़ख्म सूखने में उनको मदद ज़रूर मिलेगी जी। तीसरा सवाल है कि सारे सिर के क्या लकवा और तमाम बीमारियों के लिए ठीक है ये सवाल इन्होंने किया था सुबह के प्रोग्राम में प्रश्न था। और देखिए सिरकों का मिजाज जो है प्रवृत्ति जो है वो सबकी एक सी होती है यानी वो ठंडे होते हैं
और जब भी कोई चीज खट्टी होती है तो हम उसे ठंडी कह सकते हैं, जैसे नींबू, छाछ, सिरका, आम, कच्चा आम, आम का अचार, इन सब में विटामिन सी होती है। और कितनी परसेंट है तो कुदरती तौर पर इसमें 8% कुदरती तेजाब होता है और ये खटास के रूप में होता है, तो ये चर्बी के दुश्मन होते हैं, डायबिटीज को भी फायदा करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कलौंजी और जैतून का सिरका श्रेष्ठ माना गया है इन सब में, और इसके रिजल्ट जो आए हैं वो 99.9% आए हैं, जबकि इनके रिजल्ट जो दूसरे सिरके हैं उनके किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 60%। तो इसलिए मैं जो श्रेष्ठ है उसकी सलाह आप सबको देता हूँ, तो लेकिन सब फायदेमंद होते हैं। और क्या सवाल है? बीपी, शुगर के लिए नीम का गोंद? हाँ, देखिए गोंद, नीम का या नीम का पत्ता या नीम की निबोली या जितनी भी ऐसी दवाएं हैं जो मुसफ़ी खून है यानी खून को साफ करने से ताल्लुक रखती हैं, वो डायबिटीज में भी फ़ायदा कर सकती हैं। और जो दाने, पुंसी, फोड़े निकलते हैं उनमें भी फ़ायदा कर सकती हैं। और खून साफ करने वाली दवाएं अक्सर कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदा करती हैं, और जो दवा कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा करती है वो बीपी में भी ज़रूर फ़ायदा कर सकती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कोई सवाल अगर आपका रह गया हो तो मैं उम्मीद करूंगी दोबारा आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगी, और सवाल अगर आपके पूरे हो गए हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि सभी सवालों के जवाब अच्छे से आप तक पहुँच गए होंगे।